गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 14.3 करेंगे। इसका फोर्थ सम देखो, ये ए प्लेग्राउंड इज 600 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 400 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन स्क्वेयर मीटर। एक प्लेग्राउंड है जिसकी लेंथ है 600 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 400 सेंटीमीटर, इसका एरिया मीटर में निकालना है। सबसे पहले देखो, ये लेंथ ऑफ द प्लेग्राउंड 600 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 मीटर, एंड ब्रेथ है 400 सेंटीमीटर, इसका 4 मीटर हो जाएगा। ये द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, आपको पता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है। तो लेंथ कितनी है, 6 है, ब्रेथ 4 है, 4 मीटर है, तो ये 24 स्क्वेयर मीटर। स्क्वेयर मीटर एरिया की यूनिट होती है, स्क्वेयर मीटर जो होती है। ऐसे ही फिफ्थ सम देखो, ये द साइड ऑफ ए स्क्वेयर फील्ड इज 45 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ दैट फील्ड, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 25 रुपीज पर स्क्वेयर मीटर। देखो, एक स्क्वेयर फील्ड है जिसकी साइड कितनी है, 45 मीटर है, ठीक है, उसका एरिया निकालना है सबसे पहले आपने। पर उसके बाद ये पूछा गया है वो एट द रेट ऑफ 25 रुपीज पर स्क्वेयर मीटर प्लोइंग द फील्ड, फील्ड को प्लो करने का खर्चा कितना आता है, फिर उसका खर्चा निकालना है। तो सबसे पहले एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वेयर फील्ड क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड कितनी है, 45 है, 45 मीटर है, 45 मल्टीप्लाई 45 स्क्वेयर मीटर है, तो कितना आ गया, 2025 स्क्वेयर मीटर, यहां मल्टीप्लाई करके दिखाया हुआ है। अब इसकी कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड, वन स्क्वेयर मीटर पर कितना खर्चा आता है, 25 रुपीज आता है, 2025 स्क्वेयर मीटर पर कितना खर्चा आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसको ये आ जाएगा रुपीज 50,625। ये आ गया आपका, ये कॉस्ट कितनी आ गई, 50,625 रुपीज। थैंक यू।